इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर यूनिवर्सिटी ऑफ़ एल्बर्टर कैनेडा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया वैंकूवर कैनेडा ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है और मैंने अपने कॉलेज के टाइम पर ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ में इंटर्नशिप्स किए थे तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आखिर ये इंटर्नशिप्स होते क्या हैं इसमें अप्लाई कैसे करते हैं और फिर बाद में जाके अगर आप लोग पी के लिए अप्लाई करते हो या फिर कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तब फिर ये इंटर्नशिप्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं और वीडियो के एंड में मैंने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी एक छोटा सा इंटर्नशिप किया था तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा तो जो लोग मुझे नहीं जानते मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है मैं अभी मैक्स पैंग इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोबायोलॉजी जर्मनी से न्यूरो साइंस में पीएचडी कर रहा हूँ और मैंने आई खड़गपुर से अपना बी और एम का डुवेल्ड डिग्री किया था तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये इंटर्नशिप्स होते क्या हैं तो ये इंटर्नशिप्स के बारे में आप लोग इस टाइप से सोच सकते हो कि ये एक छोटे टाइम के लिए ट्रेनिंग टाइप का है तो जैसे कॉलेज में आप लोग को मतलब मेरे टाइम पे हम लोग को समर ब्रेक मिलता था ढाई तीन महीने का जैसे सेकेंड ईयर खत्म हुआ तो फिर ब्रेक मिलेगा ढाई तीन महीने का तो उस ब्रेक टाइम को यूटिलाइज़ करके आप लोग या तो कोई इंडस्ट्री में जाके या फिर जैसे मेरा पीएचडी करने का प्लान था तो मैं कोई यूनिवर्सिटी में जाके जो है एक्चुअल लैब में एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आपको पता चल जाता है कि असली दुनिया में जाके जब आप लोग काम करोगे तो वो काम करने का एक्सपीरियंस क्या होता है कैसे एक लैब में प्रोजेक्ट एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है या फिर अगर आप लोग इंडस्ट्री में जाकर करते हो तो इंडस्ट्री में कैसे काम होता है तो खुद को एक एक एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आपको बेटर आइडिया लगता है कि आपको उस फील्ड में जाना है या है या नहीं या फिर और कैसे आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो उस फील्ड में और फिर साथ में आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है तो फिर बाद में जब आप लोग पी के लिए अप्लाई करते हो या फिर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो फिर जो भी आपको रिक्रूट कर रहा है तो वो देखेगा कि आपको एक्सपीरियंस है काम करने का मतलब आपने रियल दुनिया में जाके आपने कुछ काम किया है तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है जो कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ाई किया है उसके साथ में अगर इंटर्नशिप्स करते हो तो फिर ये जो है ये आपके आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देता है बाकी सबसे जिस जिन्होंने इंटर्नशिप्स नहीं किए तो उनके पास बस अपने ग्रेड्स होंगे दिखाने के लिए लेकिन आपके पास ग्रेड्स के साथ साथ एक्सपीरियंस होगा दिखाने के लिए कि आपने सही में काम किया है और आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हो जॉब में तो मैं अपने इंटर्नशिप्स के बारे में बात करता हूँ कि कैसे मैंने अप्लाई किया था और कैसा एक्सपीरियंस सब तो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था 2013 में मतलब 2011 में मैंने खड़गपुर में एडमिशन लिया था तो फिर जब मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म हो गया था तो उसके बाद जो ब्रेक मिलता है समर का ब्रेक ढाई तीन महीने का तो उसमें मैंने अप्लाई किया था तो उसमें मैंने अप्लाई किया था एक होता है इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज समर फेलोशिप तो इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है तो ये लोग जो हैं मतलब ये सोसाइटी जो है इंडिया में साइंस को प्रमोट करती है तो ये नए जो हम लोग जैसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी देखें देते हैं कि आप इंडिया के जो टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जाके आप एक्सपीरियंस लो कैसा होता है काम करने लैब में जाके रिसर्च करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है तो उसमें मैंने अप्लाई किया था तो उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी में तो वहाँ पर जाके मैंने काम किया था कैंसर सेल्स के साथ ग्लियोब्लास्टों में मल्टीफोम एक होता है कैंसर आपका ब्रेन कैंसर टाइप होता है तो वहाँ पर जाके काम किया था कि अगर उसमें मतलब जो माइक्रो आर्गन एक्सप्रेस होते हैं तो फिर हम लोग क्या डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सप्रेशन पैटर्न के ऊपर कि ये जो सेल है ये कैंसरस सेल है तो इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस वही रहता है इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज फेलोशिप में कि आप उनके वेबसाइट पर जाके देखो कब एप्लीकेशन खुल रहा है फिर जब एप्लीकेशन खुल जाता है तो नॉर्मल प्रोसेस यही रहता है कि आप उसमें जनरली मोटिवेशन लेटर मांगते हैं कि आपको क्यों करना है ये इंटर्नशिप और आप किस फील्ड में करना चाहते हो क्या इंटरेस्टेड हो कौन से लैब्स में इंटरेस्टेड हो तो वो सब आपको मोटिवेशन लेटर में लिखना पड़ता है साथ में आपको सीवी देना पड़ता है अपना और फिर आपको रिकमेंडेशन लेटर देना पड़ता है रिकमेंडेशन लेटर मतलब कि कोई भी प्रोफेसर जो आपको जानता है या फिर कोई भी सीनियर साइंटिस्ट जो आपको जानता है तो फिर वो आपके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख के देता है तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था कैंपस में जुगाड़ करने में लेकिन थोड़ा दौड़ भाग करोगे तो फाइनली प्रोफेसर आपको दे देते हैं रिकमेंडेशन लेटर तो जनरली यही रिक्वायरमेंट्स रहते हैं कि मोटिवेशन लेटर लिखो अपना सीवी दो और फिर रिकमेंडेशन लेटर दो तो ये सब मैंने दिया था और फिर मेरा और मेरे दोस्तों का भी सिलेक्शन हो गया था और फिर हम लोग इंटर्नशिप करने गए थे और इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था क्योंकि सारा जो भी आपका ट्रैवल का खर्च होता है या फिर वहाँ पर रहने का खर्च होता है खाने का खर्च होता है वो और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड था इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसिस की तरफ से तो एकदम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था बस आपको लैब जाके और आपको एक्सपीरियंस गेन करना है तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि पहली बार आपको जाके पता चलता है एक्चुअली कि जो भी आप लोग पढ़ाई करते हो बुक्स में तो वो एक्चुअली वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर लोग और नया नॉलेज ढूंढने या कोशिश कर रहे हैं तो वो काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस था तो इसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया 2014 में जब मेरा थर्ड ईयर ख़त्म हो गया तो उस टाइम पर नया जोश चढ़ता है कि भाई अब तो फॉरेन इन, इंटर्नशिप करना है इस बार इस बार कोई इंडिया से बाहर के कोई यूनिवर्सिटी में जाके इंटर्नशिप करना है वहाँ पर जाके देखते हैं कि रिसर्च किस टाइप से होता है तो उसमें मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा एक है एडमंटन कैनेडा में तो उसका एक रिसर्च एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है तो उसका नाम ही है यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा रिसर्च एक्सपीरियंस तो यू आर कहते हैं उसको तो उसका भी प्रोसेस वही सेम होता है कि उसके वेबसाइट पर जाके आप लोग देखो कि कब एप्लीकेशन खुल रहा है और एप्लीकेशन जब खुल जाता है तो नॉर्मली प्रोसेस वही रहता है कि मोटिवेशन लेटर लिखो फिर उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर का जुगाड़ करो अपने प्रोफेसर्स को बोलो कि रिकमेंडेशन लेटर दे दो दे दो तो फिर कोई दे देते हैं और फिर उसके बाद आपने अब जो मैंने अपने आई एस सी बेंगलोर में जो इंटर्नशिप किया था तो वो मैंने अपने सी में डाल दिया तो फिर ये अब एक एड ऑन हो जाता है कि आपने एक इंटर्नशिप किया तो फिर अब उस इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस के मदद से आपको दूसरा इंटर्नशिप मिलता है क्योंकि दूसरे इंटर्नशिप में जो प्रोफेसर ने जिसने मुझे सेलेक्ट किया था तो वो उसको लगता है कि हाँ इस इस बंदे ने आई एस बैंगलोर में जाके काम किया था तब फिर इसको मैं भी सेलेक्ट कर सकता हूँ तो एक आपने किया फिर उसके बाद उसके मदद से आपको दूसरा मिल जाता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ एलबर्ट में मैंने प्रोफेसर टॉम हॉपमैन के लैब में जाकर काम किया था डिपार्टमेंट ऑफ सेल बायोलॉजी में तो वहाँ पर जाके हम लोगों ने देखा था आर एन इंटरफेरेंस एक प्रोसेस होता है तो उसको जा हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अलग अलग उस वो पाँचवें में जो प्रोटीन्स होते हैं और फिर से ये प्रोग्राम भी पूरा फंडेड था उन्हीं लोग के तरफ से मतलब आपका फ़्लाइट का खर्चा वहाँ पर रहने का खर्चा खाने का खर्चा सब कुछ का खर्चा यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा ही देते थे और ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था फ़्लाइट में चढ़ने का और विदेश जाने का विदेश यात्रा का तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर जाके आपको दुनिया के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से लोग आए हुए रहते हैं तो डिफरेंट नेशनलिटीज के साथ कैसे काम करते हैं कैसे उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और वहाँ पर कैसे काम होता है तो ये सब का एक्सपीरियंस मिलता है तो काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र था वो भी फिर नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया था 2015 में अपना जो फोर्थ ईयर मेरा जब खत्म हो गया था ये पाँच साल का मेरा कोर्स था खड़गपुर में बी टेक प्लस एम टेक तो जब फोर्थ ईयर खत्म हो गया था तब मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर कनाडा में और इसमें मैंने अप्लाई किया था एक प्रोग्राम होता है माई टैक्स एम आई टी ए सी एस गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा तो ये माई टैक्स के थ्रू मैंने अप्लाई किया था और फिर प्रोसेस अगेन वही कि माई टैक्स के वेबसाइट पर जाओ वहाँ पर एप्लीकेशन देखो कब से स्टार्ट होता है और जनरली रिक्वायरमेंट यही रहता है कि आप मोटिवेशन लेटर लिखो कि आपको क्यों करना है कौन से फील्ड में इंटरेस्टेड हो फिर उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर का कर जुगाड़ करो और फिर अपना सी डालो तो अब मेरे पास दो दो एक्सपीरियंस हो गए थे मतलब दो रिसर्च एक्सपीरियंस हो गए थे एक आई एस का और एक यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा एडमिटन का तो फिर अब जब जो नए प्रोफेसर जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि इसने यूनिवर्सिटी ऑफ अलबर्टा में भी काम किया है आई में भी काम किया है तब तो फिर इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ तो इंटर्नशिप एक के बाद एक मतलब ये मदद करते जाता है और फिर आपको एक के बाद एक मिलते जाता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर यही मेरा वन ऑफ़ द बेस्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि वैंकूवर मेरे को लगता है दुनिया का सबसे सुंदर शहर है और काफ़ी सारे शहर मैं अभी तक जा चुका हूँ लेकिन वैंकूवर जो है वो मेरे टॉप में लिस्ट में तो बहुत ही प्यारा सा शहर था ये और ये और जो मैं काम कर रहा था वो काम कर रहा था ब्रेन डेवलपमेंट पे तो ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिबेलम तो वो कैसे डेवलप होता है उस पर हम लोग काम कर रहे थे और अगेन ये पूरा फंडेड था और काफ़ी अच्छा फंडेड था ये माइटेक्स एक और आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये लोग फंड करके मतलब पैसे दे के क्यों बुलाते हैं इंटर्नशिप्स करने के लिए तो इसमें होता क्या है कि ये लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं या फिर जो यंग जनरेशन है उसको साइंस के तरफ इंक्रेज करना चाहते हैं मोटिवेट करना चाहते हैं और फिर जब वो लोग आपको कनाडा जैसे बुला रहे हैं आ, कि आप ये यूनिवर्सिटी में आपके आके इंटर्नशिप करो या फिर जो आई है वहाँ पर जाके इंटर्नशिप करो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में तो फिर वो लोग ये सोच रहे हैं कि जब ये स्टूडेंट ग्रेजुएट होंगे और फिर आगे जाके पी लेने का डिसीज़न लेंगे तब फिर वो कंसडर करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में जाके पीएचडी करने का या फिर आई में जाके पीएचडी करने का तो उनका उस तरीके से फ़ायदा होता है और स्टूडेंट का फ़ायदा होता है कि उन लोग को एक्सपीरियंस गेन हो जाता है तो इसमें भी पूरा फंडेड था माई के तरफ से आपके आने जाने का फ्लाइट का वहाँ पर रहने का तो काफ़ी एनरिचिंग और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वेंकूवर का तो मैंने अभी तक तीन इंटर्नशिप्स के बारे में आपको बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की तरफ से फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा रिसर्च एक्सपीरियंस की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ़ अल्बर्टा में और फिर माईटेक्स के तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में तो ये तीनों इंटर्नशिप करने का फ़ायदा क्या हुआ मुझे कि एक तो मुझे पता चल गया कि आखिर लैब में होता क्या है सबका जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था ये मोस्टली हार्ड कोर मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी में था तब फिर मैंने जाके रियलाइज़ किया कि नहीं मेरे को थोड़ा सा कोई दूसरे फील्ड में जाना है तब मैंने न्यूरो साइंस में एक किया कि वो मोलिकुलर सेल बायोलॉजी के साथ साथ फिर आपका कंप्यूटेशन वगैरह भी उसमें आ जाता है तो काफ़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड हो जाता है तो ये इंटर्नशिप्स आपको ख़ुद को एक प्रॉपर आइडिया दे देता है कि आपको किस फील्ड में जाना है और फिर उस फील्ड में आखिर काम करने के बाद आपको लगता कैसा है फील कैसा होता है आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है उस फील्ड में और बहुत कुछ आप लोग सीखते हो और फिर इसका फ़ायदा जब मैंने बाद में जाके पीएचडी के लिए अप्लाई किया था यहाँ पर मैक्साइन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोबायोलॉजी में तब फिर जो भी आपको सेलेक्ट कर रहा है तो वो आपका सीवी सीवी देखेगा तो उसमें देखेगा कि इस बंदे ने ये तीन जगह काम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में इसने इंटर्नशिप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में किया है आई एस बेंगलोर में किया है तो वो देखेगा कि इसको एक्सपीरियंस है काम करने का लैब में तो फिर ये बोले कि ठीक है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने लैब में भी तो फिर उसके हेल्प से मेरा पी में भी सिलेक्शन हो गया था तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जो लोग भी अभी स्टूडेंट जो जो लोग भी आप लोग अभी जैसे प्लस टू में हो या फिर आप लोग कॉलेज जाने वाले हो या फिर जो लोग मेरा अभी सुन रहे हैं जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है, या सेकेंड ईयर में है, या थर्ड ईयर में है तो इंटर्नशिप्स पर जो है पूरा फोकस करो क्योंकि मेन मतलब आपका जो पढ़ाई होता है और जो ग्रेड्स होते हैं या फिर कॉलेज में जो प्रोजेक्ट करते हो तो उसके साथ साथ जो ये इंटर्नशिप्स होते हैं ये आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बना देता है तो आगे जाके आपको कुछ भी करना है तो ये आपको बहुत मदद करेगा और आपको खुद को एक आइडिया मिलता है कि आखिर आपको करना क्या है और मैं समझता हूँ कि अभी कोरोना के टाइम पर अभी ये सब का प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस ये सब उतना सिंपल नहीं होगा तो अभी मैंने एग्जैक्टली exactly चेक नहीं किया है कि कोरोना के टाइम पर ये सब का प्रोसेस कैसे चेंज हुआ है लेकिन आप लोग इनके वेबसाइट पर जाके देख सकते हो आई एम श्योर कुछ ना कुछ सोल्यूशन ले ये लोग आएंगे कि ये कोरोना के टाइम पर कैसे ये सब इंटर्नशिप्स आप लोग कर सकते हो और अगर मैं ओवरऑल समराइज़ कर दूँ प्रोसेस का तो प्रोसेस का समरी यही है कि जो भी आपको अपने फील्ड में इंटर्नशिप करना है तो उसमें देखो कि क्या क्या इंटर्नशिप्स पॉसिबल हैं और उनके वेबसाइट पर जाके चेक करो कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है तो जनरल एकेडमिया में जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि आप मोटिवेशन लेटर लिखो आपको क्यों इंटर्नशिप करना है किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो फिर उसके बाद आप अपना आ, सीवी सबमिट करो और फिर उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करो तो जनरल प्रोसेस यही रहता है और लास्ट में मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी मैंने रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक इंटर्नशिप किया था तो उसके बारे में बहुत ब्रीफली बता देता हूँ तो ये मैंने अभी बस पिछले साल दो में किया था अपने जब मैं पी कर रहा था यहाँ पर तब मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ और एक्सपीरियंस लेते हैं और मैंने सोचा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी है नीति आयोग करके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो वहाँ पर जाके मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्टिकल में जाके इंटर्नशिप किया था दो तीन महीने वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि आप एक्चुअल जाके देख रहे थे कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कैसे करती है और नीति आयोग में मतलब जो Uh, अलग अलग आपके ये सब आते हैं डिजिटल इंडिया ये सब जो भी प्लान सबमिट होते हैं तो फिर वो सब का प्रोसेस क्या होता है तो वो भी काफ़ी uh, अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक डिफरेंट परस्पेक्टिव मिला होगा कि जब कॉलेज में आप लोग हो तो साथ में इंटर्नशिप्स पर फोकस करो और जो भी फील्ड में जाना है जैसे मैंने अपना बताया कि मेरे को पी में जाना था ये ऑलमोस्ट मेरा दि, दिमाग में पक्का था इसलिए मैंने जितना भी इंटर्नशिप किए थे वो मैंने यूनिवर्सिटीज़ में किए थे लेकिन अगर आप लोग मान लो जैसे अभी हॉट फील्ड चल रहा है डेटा साइंस मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मान लो कि जैसे इस फील्ड में अगर आपको आगे जाना है कि कोई कंपनी ज्वाइन करना है या फिर आपको यूनिवर्सिटी में ही इस फील्ड में रिसर्च करना है तो फिर आप लोग इस फील्ड में देखोगे क्या इंटर्नशिप्स पॉसिबल हैं क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो या फिर जो कंपनीज़ हैं वो लोग भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं तो फिर आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो तो मेरा फिर से फाइनल सजेशन यही रहेगा आप लोगों के लिए कि जब आप लोग कॉलेज में हो तो इंटर्नशिप्स पर फोकस करो क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही जो चीज़ है ये आपको डिस्टिंग्विश करेगा बाकी सारे कैंडिडेट से जो कि सेम पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ये आपके खुद के लिए आपके खुद के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और इस चैनल में मैं मोस्टली मैथमेटिक्स के वीडियोस पाइथन प्रोग्रामिंग के वीडियोस डालता हूँ और फिर इस टाइप से अपना जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है उसको भी शेयर करता हूँ तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ये सारी चीज़ों में तो फिर ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक like करो अपना जो भी फीडबैक है उसको कमेंट्स में लिखो और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में